अब आप पा सकते हैं किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड डाउट का वीडियो सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से और वो भी बिल्कुल ही मुफ्त में। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन की फ़ोटो खींचें और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें, मैंने अपनी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू वॉल्स ऑफ इक्वल मासेस आर थ्रोन अपवर्ड अलोंग सेम वर्टिकल लाइन एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 meters per second, देन दीज कोलाइड एट अ हाइट ऑफ, मतलब हाइट निकालनी है कि इस पर वो कोलाइड करेंगे। इसको क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको रिवाइज करके जाइएगा आप। इससे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से ही, और अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और आएगा भी नहीं आंसर। तो ये सबसे इजी मेथड है करने का, इस तरीके के सारे क्वेश्चन को करने का। तो हमें निकालना क्या है कि जब वो कोलाइड करें, मतलब हम लोग फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको करते हैं सॉल्व। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कब कोलाइड करेंगे, जब दोनों कोऑर्डिनेट एक ही हो जाएगा। तो ठीक है, ये मैंने मान लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ओरिजिन से बॉल रिलीज की गई है, दोनों ओरिजिन से बॉल रिलीज की गई है और ये वाली एक्सिस पे फेंकी गई है अपवर्ड। ठीक है, तो अब हम ये हो जाएगा, ऐसे होता है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये तो पता है हमें। और एस इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जहाँ पर एक्स एफ और एक्स आई जो है वो इनिशियल फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट है इस वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसको डाल देते हैं इसके अंदर, एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें देखा कि ओरिजिन पे इनिशियली ओरिजिन पे था, तो एक्स आई इज इक्वल टू 0, तो एक्स एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हम पहले पार्टिकल के उसमें आप इसको अप्लाई करते हैं। पहले पार्टिकल के लिए पहला पार्टिकल जो था वो फेंका गया है, इसका एक्स एफ 1 ले लेते हैं, एक्स एफ 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 40 और टाइम टी माइनस हाफ एक्सेलरेशन दिया है 10 meters per second square, जी 10 meters दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है टी स्क्वायर, तो ये हो गया 40 t माइनस 5 t² एक्स एफ 1 है, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। अब यही चीज़ हम लोग यही इक्वेशन दूसरे वाले के लिए लिखते हैं। जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो पहले वाले पार्टिकल के 2 seconds बाद फेंका गया है, तो एक्स एफ 2 इज इक्वल टू 40 meters per second से ही फेंका गया है, मगर 2 seconds बाद फेंका गया है, तो टाइम क्या हो जाएगा, जो भी टाइम है उसे माइनस 2 कर देंगे, लेकिन 2 seconds बाद फेंका गया ना, तो 2 seconds में जो दूरी चलने वाला था वो उतना कम चलेगा, तो इसलिए टी माइनस 2 करेंगे, माइनस 5 t - 2² हो गया ये, तो ये हो गया 40 t - 80 हो गया, -5 t² + 4 - 4 t हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो 40 t - 80 t - 5 t² - 5 for 20 - - +5 for 20 t, तो क्या हो गया -5 t² - 5 t² इसके 40 t और 20 t, तो 60 t और ये बचा हमारे पास -100 तो अब जब तब ये कोलाइड करेंगे जब दोनों का कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, 40 t - 5 t = -5 t² + 60 t - 100
तो अब हम इधर ले लेते हैं सब कुछ, 0 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर 5t स्क्वायर गलत हो गया, ये दोनों कट गया ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 60t माइनस 40t, तो 20t माइनस 100 बचा, तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के बाद ही कोलाइड करेंगे, तो 5 सेकेंड के बाद कोऑर्डिनेट का होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग, पहले वाले उसमें रखे, xf1 इज इक्वल टू 40t माइनस 5t, 40 इंटू 5 माइनस 5t स्क्वायर, तो हो गया 5 4 20, 200 माइनस 5 5 25 5 25 5 जब 125, तो बचा 75 मीटर, तो मतलब ओरिजिन से 75 मीटर ऊपर ये कोलाइड करेंगे, तो यही हो गया इसका आंसर। इस मेथड को याद रखिएगा और बाकी भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो अपने डाउट्स इसी तरीके भेजते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।